अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो बाय वसीम हमदानी। तो भाई, रियलमी की सी सीरीज़ में एक और स्मार्टफोन रियलमी C21 के नाम से ऐड होने वाला है। तो स्मार्टफोन की फुल कंफर्म स्पेसिफिकेशन खुलकर सामने आ चुकी हैं, इस स्मार्टफोन की प्राइस भी सामने आ चुकी है। सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखते रहना है। वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप करने की कोशिश हरगिज़ नहीं करनी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी की। इस स्मार्टफोन की बैक प्लास्टिक की होगी और क्रॉस ब्लू क्रॉस ब्लैक कलर में ये दो वेरियंट्स पाकिस्तान में लॉन्च किए जाएंगे। अगर बात की जाए फ्रंट की, तो 6.5 इंच का IPS डिस्प्ले रखा जाएगा स्मार्टफोन में और 720 पिक्सल की रेजोल्यूशन इस स्मार्टफोन में दी जाएंगी। अगर बात की जाए स्मार्टफोन में कैमराज की, तो बैक पर ट्रिपल कैमरा का सेटअप होगा। मेन सेंसर 13 MP का होगा और बाकी के दो सेंसर 2-2 MP के होंगे, और जो लास्ट दो सेंसर होंगे इनमें एक 2 MP का पोर्ट्रेट सेंसर होगा और एक 2 MP का मैक्रो सेंसर होगा। अगर बात की जाए फ्रंट की, तो 5 MP की सेल्फी फ्रंट में वाटर ड्रॉप नोच में रखी गई है। इसके बाद यहाँ पर अगर बात की जाए प्रोसेसर की, तो मेरे भाई प्राइस के हिसाब से स्मार्टफोन की जो प्राइस रखी जाएगी उस हिसाब से यहाँ पर प्रोसेसर काफ़ी अच्छा दिया गया है आपको, क्योंकि स्मार्टफोन में आपको मीडिया टेक हेलियो G35 की चिपसेट देखने को मिल जाएगी। अगर बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो भाई प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी, आप इसमें अच्छे से गेमिंग भी कर पाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर अगर बात की जाए इंटरनल स्टोरेज और रैम की, लेकिन इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि प्रोसेसर वाइज ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा, कमेंट करके आपने मुझे लाजमी से बताना है। और हाँ, वीडियो को आपने यहीं पर लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की नोटिफिकेशन को आपने ऑल पर लाजमी से रख लेना है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए इंटरनल स्टोरेज और रैम की, तो भाई एक ही वेरियंट रखा गया है। वैसे वेरियंट दो रखे गए हैं, 4GB 64GB और 4GB 32GB वाले दो वेरियंट रखे गए, लेकिन पाकिस्तान में 4GB 64GB वाला वेरियंट ही आएगा और 32GB वाला जो वेरियंट होगा इसको पाकिस्तान में स्किप किया जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर अगर बात की जाए इस स्मार्टफोन में बैटरी की, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई इस स्मार्टफोन में आपको EWMC 5.1 की स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर बात की जाए बैटरी की, तो 5000 mAh की बैटरी स्मार्टफोन में दी गई है, लेकिन किसी भी किस्म की फास्ट चार्जिंग की स्पोर्ट यहाँ पर नहीं होगी, वही नॉर्मल 10 W की चार्जिंग की स्पोर्ट यहाँ पर आपको दी जाएगी। और इसके बाद रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर इस स्मार्टफोन में दिया गया है। तो लास्ट में अगर बात की जाए स्मार्टफोन की प्राइस और लॉन्च डेट की, तो भाई इस स्मार्टफोन को तकरीबन अप्रैल के लास्ट तक पाकिस्तान में लॉन्च किया जाएगा। और जहाँ तक बात है स्मार्टफोन की प्राइस की, तो भाई इस स्मार्टफोन की प्राइस 18,000 से लेकर 20,000 के दरमियान, जी हाँ 18,000 से लेकर 20,000 के दरमियान इस स्मार्टफोन की प्राइस पाकिस्तान में रखी जाएगी। इससे ऊपर या फिर इससे नीचे इस स्मार्टफोन की प्राइस नहीं रखी जाएगी। तो आप इसे कौन कौन स्मार्टफोन का वेट करेगा, कमेंट करके मुझे लाजमी से बता दें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो भाई लाइक लाजमी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की नोटिफिकेशन को आपने ऑल पर लाजमी से रख लेना है। अल्लाह हाफिज़।